जे अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जिनकी जान बचाते हैं उनकी अगर जान सुरक्षित नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, महिला डॉक्टर हैं। आप क्या कहेंगे इस घटना के बाद, कितना ज़्यादा डर आप लोगों में जो है वो बढ़ा है? जी बिल्कुल, ये घटना से पूरा देश ही शॉक में है और देश भर के सारे डॉक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। स्पेशली महिला डॉक्टर्स जो है, उन हर एक महिला डॉक्टर के मन में एक डर सा बैठ गया है। क्या कुछ कहेंगे, किन कामों को आप लोगों ने रोका है अस्पताल में? मैम, हमने सिर्फ जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे ओपीडी सर्विसेज होगी, वार्ड सर्विसेज होगी, अदर इलेक्टिव सर्विसेज होगी, उन्हीं को रोका है और वो भी पूरी तरह से अभी नहीं रुकी हैं। जो सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी भी आना रखे हुए हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट अगर जो सिक्योरिटी इंश्योर्ड नहीं होगी, आना जो लड़की के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है वो फेलो डॉक्टर के साथ वो नहीं इंश्योर होगा, तो हम तो जारी रहेगा और आगे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊँ, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, लगातार वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो भी अक्यूज्ड है उनको कड़ी सी कड़ी शिक्षा, उनको जब तक फांसी नहीं दी जाती है तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चालू रहेगा। क्योंकि इसी के साथ देश में एक मैसेज जाएगा कि जो भी रेपिस्ट है, जो भी रेपिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सकती है और उसके बाद ही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करना चालू कर देगी। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में रोष दिखाई दे रहा है। जे अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी पूछते हैं, बताइए कि जिस तरह की बर्बरता हुई है महिला डॉक्टर के साथ, ये प्रदर्शन आप लोगों का लगातार जारी है, कब तक जारी रहेगा? क्या सरकार से भी बात करने की कोशिश होगी? सरकार से बात करने की कोशिश आए दिन हमारी चल रही है और ये आंदोलन हमारे जो मांग है, जो जब तक पूरी नहीं होती है आंदोलन तब तक चालू रहेगा। जो हमारी मांगे थी कि सीबीआई के द्वारा इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन सीबीआई को ये केस सौंपने के बाद भी अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस प्रकार से वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए उस प्रकार से सीबीआई से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो वो रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। और दूसरी जो मांग है जिसके लिए पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, हम देश के साथ खड़े, वो मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की। 2019 में जिसका अमेंडमेंट हुआ वो अभी तक एक्ट पास हुआ नहीं है, तो जब तक वो एक्ट पास नहीं होगा या फिर वो एक्ट पास करने का सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ रिटर्न अश्योरेंस नहीं देगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता तो हुई लेकिन उसके बाद हिंसा करने की कोशिश की, अस्पताल में लोग घुसे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, लोगों का ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि महिला डॉक्टर पे अत्याचार होता है और लोग उसके ऊपर आक्रोश, मतलब उसके ऊपर ऐसे लोग, जस्टिस मिलना चाहिए महिलाओं को। आज एक ही डिमांड है हमारी कि सुरक्षा में इंक्रीज होने चाहिए, सुरक्षा पर्सनल्स इंक्रीज होनी चाहिए यहाँ पे और तभी हम महिला सुरक्षित रहेगी। क्या डिमांड है सर आप लोगों? हमें यही चाहते हैं कि जो कोलकाता में जो दुर्घटना हुई है उसके रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उनका पार्शलिटी हो रही है अपने गवर्नमेंट के रिलेटेड, सो पूरा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और डॉक्टर्स रिलेटेड जो भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और अपने डॉक्टर्स और जो डेडी डॉक्टर्स हो दिन रात 24/7। आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलने वाला तब तक ये हड़ताल चालू रहेगा। जी, आप लोगों की हड़ताल यानी कि कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी मांगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक सीपीए एक्ट नहीं आता तब तक डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं करता तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। सीपीए एक्ट कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि डॉक्टर के लिए कुछ एक्ट ही नहीं है, मतलब तो सेफ्टी की बात करें, आपके हाथ में पोस्टर भी है, सेफ्टी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं जे अस्पताल के, वो पोस्टर्स के साथ मौजूद हैं और ये जो इनका आंदोलन है वो कई दिनों से शुरू है, आगे भी जारी रहेगा। क्या कुछ कहेंगे, बर्बरता हुई महिला डॉक्टर के साथ लेकिन भीड़ जो है अस्पताल में घुसती है, डॉक्टरों पर भी एक तरह की हिंसा होती है, क्या कहेंगे? आज तक हमने देखा है कि इजी टारगेट्स जो है वो डॉक्टर ही बनते हैं या जो भी हेल्थ कर्मचारी है वही बनते हैं। आपने देखा होगा लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट हर दिन किसी ना किसी डॉक्टर पर, हेल्थ कर्मचारी पर अटैक हुआ है, पर इसके ऊपर किसी सरकार ने ठोस कार्रवाई की है या फिर उनको कुछ सजा हुई है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो लोगों के अंदर भी ये मतलब ये भावनाएं आ रही है कि अगर कोई पेशेंट
अत्यवस्थ है, हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, और अगर उसका कुछ गलती से अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर ट्रीटमेंट में देरी लग जाती है, कोई दूसरा पेशेंट वहाँ पे है तो डॉक्टर को मारना एकदम आसान है उनके लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। तो ये चेंज होना चाहिए। हम उसी लिए झगड़ा कर रहे हैं कि हम सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसलिए लाने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी एक सर्कुलर आया है जिसमें बोला गया है कि किसी भी अस्पताल में अगर डॉक्टर पे हो या हेल्थ केयर कर्मचारी पे हो कोई भी हाथ उठाएगा या फिर उसके इस खिलाफ कोई भी अगर अपशब्द यूज़ करेगा तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूट के हेड है वो 6 घंटे के अंदर FIR लॉन्च करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा पहले आए। हम हर एक की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार खड़े हैं, पर अगर हमारे ऊपर ही अगर कल आके हर कोई हाथ उठाने लगा तो हम भी डर के ही ट्रीटमेंट करेंगे, वो तो डर का माहौल चेंज होना चाहिए। महिला डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, आप मुझे बताइए, आप लोग काम कर रही हैं अस्पताल में और उसमें आकर कोई इस तरह की घटना जो हमने कोलकाता की देखी, कितना डरावना है, कितना शॉकिंग है ये? बहुत शॉकिंग है ये, तो जो लेवल पे इंसिडेंट हुआ है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और इनफैक्ट कोई भी असॉल्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब हम यहाँ पे पेशेंट्स का हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आके हमें ही मार रहे हैं, हमारे साथ ही असॉल्ट कर रहे हैं, ये तो गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स भी होना चाहिए, जैसे पेशेंट्स के लिए होते हैं, हर किसी के लिए होते हैं। खुद के वर्क स्पेस में इंसान ने सेफ फील करना चाहिए। तो आप लोगों के इस प्रोटेस्ट में कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से काम आप लोगों ने फिलहाल रोके हुए हैं? हमारी जो OPD सर्विसेज है, जो हम इलेक्टिवली बंद कर सकते हैं, इलेक्टिव सर्जरीज और OPDs, उसको हम लोगों ने स्थगित किया है। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो हमने अभी चालू रखी है, जिस वजह से जो इमरजेंसी में कोई जो एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं तो उनको उनका जान को धोखा ना हो। और वैसे OPDs भी जो है हमारे कंसल्टेंट्स की तरफ से चालू है। देखिए, डॉक्टरों के साथ बर्बरता हुई लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटे हैं। प्रदर्शन दिखाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को उन्होंने रोका है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका है, बाकी जो उपचार है वो जारी रहेगा। लेकिन अगर आपको बताएं कि डॉक्टरों का जो रोष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, JJ अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ कंपाउंड में मौजूद हैं और उनकी तरफ से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज़ाद मैदान में जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया, अब अस्पताल के कंपाउंड में ये मौजूद हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि बिना सुरक्षा के लोगों का इलाज कर पाना इनके लिए संभव नहीं होगा। और जिस तरह की बर्बरता की तस्वीर सामने आई उसके बाद हर कोई डरा हुआ है। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं नम्रता दुबे, BP न्यूज़ मुंबई। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है कोलकाता में हुई बर्बरता के बाद। ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर OPD और तमाम जो सर्विसेज हैं उसको डॉक्टरों ने बंद का ऐलान किया है। तमाम मरीजों के परिजन हमारे साथ हैं, JJ अस्पताल में हम मौजूद हैं। सबसे पहले सुशील से जानते हैं, सुशील आपके कौन से परिजन यहाँ पर है, उनको क्या बीमारी है और आपको क्या जवाब दिया गया अस्पताल की तरफ से? मेरे अभी इधर मतलब भाई है आपका? भाई नहीं है, वाइफ का भाई है। हाँ। तो अभी उसको 10 दिन हो गए इधर। हाँ। हॉस्पिटल में रहते हैं, अभी उसका तो इलाज चालू है, पर अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ, तो कैसा वो बोलते हैं कि अभी स्टे चालू है, तो बोलते डॉक्टर पर इधर अभी कोई नहीं है इधर। तो आपके मरीज क्या पूरी तरह ठीक हो गया या नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो स्टे की वजह से बोल रहे उनको लेके जाओ? स्टे के वजह से बोल रहे लेके जाओ। आपको डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से बोला गया कि स्टे, बताया गया कब तक चलेगा ये स्टे? वो नहीं बताया। देवानंद हमारे साथ हैं, थाने से आए हैं ये, मुंबई के भी बाहर से आए हैं JJ अस्पताल में। आपके कौन से मरीज हैं, किस काम के लिए आए थे और अस्पताल ने क्या जवाब दिया? नहीं, मेरे बेटे का सोनोग्राफी कराना था, उसके लिए तारीख लेना था, तो 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। मेरा पिछले 10 साल से फॉलोअप चालू है यहाँ पे, मेरा बच्चा यहीं पे पैदा हो गया JJ हॉस्पिटल में, 2014 जनवरी में पैदा हो गया था, 24 जनवरी। आप किस लिए आए हैं अस्पताल? मैं यहाँ पे आया था तारीख लेने के लिए, मुझे 1 साल पहले कहा गया था कि आप 1 साल के बाद फिर से सोनोग्राफी का तारीख लो, सोनोग्राफी कराओ और रिपोर्ट दिखाना मुझे। मेरे बच्चे के किडनी में इशू है, सूजन है थोड़ा सा, उससे ज्यादा कोई इशू तो प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हर 6 महीने में 1 साल में मुझे फॉलोअप लेना पड़ता है, तो उसके लिए मैं तारीख लेने आया था। तो यहाँ पे आया तो मैं काउंटर पे गया जहाँ पे अपॉइंटमेंट तारीख मिलता है, वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हुए हैं, और तो मैंने बोला कब आएंगे, तो उन्हें ये भी पता नहीं है कि कब आएंगे। और मैं अभी यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ, मैं निकल रहा था जस्ट हॉस्पिटल से, तो देखा कि डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
उनका भी कहना सही है, देश में लोग सुरक्षित होना चाहिए, हमारी सरकारें जो है, हमारे देश की सरकारें, राज्य की सरकारें जो है, अच्छा व्यवस्था करना चाहिए लोगों की सिक्योरिटी के लिए, जो भी है अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। अगर उन्हें कुछ तकलीफ हुआ तब वो आज यहाँ पे बैठे हैं। तो अस्पताल की तरफ से कहा गया कि स्ट्राइक पर है तो आप बाद में आओ, लेकिन मुझे तारीख नहीं, अभी कब कहाँ से आए? देखिए, मैं मुंबई के थाने डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से, अंबरनाथ में, जो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। मैंने आज छुट्टी लिया, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं आज छुट्टी लिया, इसलिए मुझे तारीख लेना था, तो मैं छुट्टी लेकर आया। सुबह घर से 7 बजे का निकला हूँ, मैं यहाँ पे 10 बजे आया, पहुँचा, 3 घंटा लगा मुझे आने में। पर यहाँ पे आने के बाद अब ये देखने को मिला कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं, तारीख नहीं मिल सकती है, कब मिलेगा वो भी उन्हें पता नहीं है। जी जी जी, तो ये मरीजों के जो परिजन हैं इनकी भी मुश्किलात है, लोग दूर दूर से आए हैं, थाने से आए हैं, ये आए हैं अपने मरीज को इलाज करवाने, वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल ने कह दिया है कि वो उनको वापस ले जाएं, क्योंकि इनके ठीक पीछे अगर आप देखें तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जाती, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर है मरीजों के परिजन की, उनका कहना है कि अस्पताल ने उनको कहा है कि हड़ताल जारी है, वापस आइए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर ओपीडी और तमाम सर्विसेज को फिलहाल बंद किया गया है, जिसके चलते जो मरीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं अमृता दुबे, बीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.